सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत परसाही उच्च विद्यालय की है। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि हम लोगों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, खाने के लिए भी अब तक कुछ नहीं मिला है, चापाकल की भी व्यवस्था नहीं है, कोई देखने पूछने वाला भी अब तक नहीं आया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर SHO सुधाकर कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों को समझाया। बाद में विद्यालय में जिनका ड्यूटी दिया गया था उसे फोन कर बोला गया कि आप जल्दी आइए, नहीं तो DM साहब को फोन कर रिपोर्ट करेंगे। साथ ही SHO सुधाकर कुमार ने तुरंत ही अपने पास रखे आधुनिक मशीन द्वारा जांच कर सभी प्रवासियों को किट उपलब्ध करवाया, खाने पीने की व्यवस्था करवाई। आइए देखते हैं कैसे SHO सुधाकर कुमार ने प्रवासी मजदूरों का बना मसीहा। क्या नाम हुआ जी? मोहम्मद जिब्राई। कहाँ से आया तुम लोग? हम लोग हरियाणा से आए हैं। कब आया था तुम लोग? कल आए हैं, कल आए यहाँ पे 4 बजे के लगभग। यहाँ पे कोई देखने के लिए है व्यवस्था में? कोई देखने के लिए नहीं है अभी, जो है फिलहाल वो आपके सामने में कुछ नहीं है। खाने पीने और व्यवस्था कोई देखने वाला नहीं है? जैसे बोले वैसे भी अभी होगा, मतलब अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दिया था? अभी नहीं दिया है, आज से अभी हो रहा है। जब पानी उनी का व्यवस्था, खाने का कुछ कोई व्यवस्था है कि नहीं? बाथरूम में ना तो पानी है ना, और कुछ ना नहाने वगैरह का कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है, व्यवस्था कमी है। हाँ बिल्कुल कमी है। कौन स्कूल पर है अभी तुम लोग? टोटल लोग यहाँ पे रहेंगे परसाही हाट स्कूल पर है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसाही हाट में कल ले आया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया। खाने पीने पानी उनी कोई व्यवस्था अभी है कि नहीं? अभी तक में कोई व्यवस्था नहीं किया है? अभी तक में तो नहीं किया है, एक बार नाश्ता किए हैं और हो रहा है, खाना बन रहा है। यहाँ पर आदमी रिपोर्ट किया हुआ आदमी सब है? नहीं अभी नहीं, अभी चेक करके गया, कोई नहीं है, लेकिन अभी चेक।